हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रोजगार विद नवीन। दोस्तों, आप सभी के लिए बड़ी गुड न्यूज है क्योंकि आधार कार्ड में आ चुकी है नई भर्ती। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आधार कार्ड भर्ती 2024 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। दोस्तों, इस वैकेंसी के आवेदन भी शुरू हो चुके हैं। अगर अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया है तो इस सीधी भर्ती के लिए आज ही अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने से पहले वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि आधार कार्ड में ये जो भर्ती निकाली गई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है और ऑल ओवर इंडिया की जॉब है। यानी कि दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट या डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं आधार कार्ड की इस भर्ती के लिए, ठीक है। और एज लिमिट का क्राइटेरिया कम से कम 18 से मैक्सिमम 48 साल रखा गया है। तो अगर आप 18 साल से 48 साल तक के हैं तो आप सभी कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, कौन कौन सी प्रोफाइल में वैकेंसी है, कैसे आपको अप्लाई करना है, डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा खास होने वाला है। और आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को प्यारा सा लाइक कीजिएगा, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी ग्रुप के अंदर, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी जानकारी हो, वो भी अप्लाई कर सके। और रोजाना गवर्नमेंट जॉब की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आधार कार्ड भर्ती 2024 के बारे में, जिसका नई भर्ती का नया ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आवेदन शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट जो है 18 मार्च 2024 है अप्लाई करने की। तो दोस्तों, 18 मार्च से पहले अप्लाई कीजिएगा, अप्लाई करने का प्रोसेस भी आपको बताएंगे सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से। यह एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको इसको भर करके सबमिट करना है। अलग अलग पोस्ट के लिए एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर दिए गए हैं, ठीक है। और दोस्तों, इन भर्तियों के लिए आपकी कोई भी एग्जाम नहीं होने वाली है, बिना एग्जाम के बिल्कुल सीधी भर्ती यहां पर देखने को मिल रही है। वहीं सैलरी 42,000 रुपए पर मंथ आपको मिल रही है, और यहां पर सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी है। 10th क्लास पास, 12th पास, ग्रेजुएट पास, सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल्स में आपको जानकारी देते हैं सीधा ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू। दोस्तों, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है tipswarrierbus.xyz। यहां पर आपको सबसे पहले नई गवर्नमेंट जॉब की जानकारी दी जाती है। आप चाहें तो दोस्तों इसे गूगल में भी टाइप करके सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आ चुके हैं सीधा हमारी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और आज हम बात करने जा रहे हैं आधार कार्ड की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, ठीक है। तो आधार कार्ड में रिक्रूटमेंट आ चुकी है इस साल 2024 की, जो कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI की तरफ से निकाली गई है। मल्टीपल जॉब से आप यहां पर देख सकते हैं, रीजनल ऑफिसर RO की वैकेंसी है, सेक्शन ऑफिसर SO की वैकेंसी है, डिप्टी डायरेक्टर की है, सीनियर अकाउंट ऑफिसर की है, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की है, डाइंग डायरेक्टर की है, अकाउंटेंट की है, स्टेनोग्राफर की है, असिस्टेंट की है, और भी अदर वैकेंसीज हैं, ठीक है। ये जो जॉब है फ्रेंड्स, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं। इसके आवेदन ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कर सकते हैं, UIDAI.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू जाकर के आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट्स मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सैलरी UIDAI के रूल्स के मुताबिक आपको मिल रही है, और जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया की है। वहीं एज लिमिट कम से कम 18 है, मैक्सिमम 56 है। तो अगर आपकी एज है 18 से 56 तो आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। वहीं एप्लीकेशन फीस जनरल OBC SC ST सभी के लिए बिल्कुल फ्री है। क्वालिफिकेशन में 10th 12th और ग्रेजुएट और ITI डिप्लोमा डिग्री पास सभी के लिए यहां पर जॉब निकाली गई। और सिलेक्शन का प्रोसेस बिना एग्जाम के रहेगा, डायरेक्ट सिलेक्शन के, ठीक है। और यहां पर आवेदन जो है ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यहां पर आपको लिंक दिया गया है, आप सीधा नए पेज पर आ जाएंगे। यहां पर लिंक पर आपको क्लिक करना है, आपके सामने नया पेज आएगा। तो यहां पर अगर आप ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर दीजिएगा। और सबसे पहले आपको बता दें कि यहां पर आपको करना क्या है, यहां पर ड्रॉप CV का बटन है, यहां पर क्लिक कर दीजिए, यह ऑनलाइन फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, इसको भर दीजिएगा, जिसमें आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, लोकेशन, आपका एक्सपीरियंस क्या है, फ्रेशर है तो 0 कर लीजिएगा, ठीक है, फ्रेशर कर लीजिएगा। उसके बाद में आपका रिज्यूमे अपलोड करना है, बाकी सभी जानकारी देनी है और सबमिट करना है। ये तो हो गया ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। अगर आप ऑफलाइन अप्लाई करना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक कर दीजिए, आपके सामने काफी सारी वैकेंसीज आ जाएगी। यहां पर अलग अलग पोस्ट के लिए यहां पर जानकारी है, लोकेशन अलग अलग है, लास्ट डेट आप देख सकते हैं 29 फरवरी भी है, 21 फरवरी है, 28 मार्च भी है, ठीक है। और जैसा कि मैंने आपको थंबनेल में दिखाया, 18 मार्च की वैकेंसी भी यहां पर आपको देखने को मिलेगी, 22 मार्च की वैकेंसी भी है, और ये रही 18 मार्च की, ठीक है। आप यहां पर सपोज कीजिए किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना, तो यहां पर आपको
क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने पूरी की पूरी जानकारी आ जाएगी, ठीक है। सभी जानकारी आप ले सकते हैं, यहाँ पर कौन सी पोस्ट है, आप ले सकते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDA की तरफ से भर्ती निकाली गई है। यहाँ पर नीचे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी दिया गया है, ये रहा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर बताई हुई डेट से पहले अप्लाई करना है। कहाँ पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है, यहाँ पर पिन कोड के साथ में पूरा का पूरा एड्रेस मेंशन किया गया है, ये रहा एड्रेस, ठीक है। इसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के सबमिट करना है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने हैं वो भी लिस्ट यहाँ पर है। और दोस्तों यहाँ पर आपको सैलरी कितनी मिलने वाली है, सैलरी का पूरा स्लैब यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा, सारी जानकारी है। और भी अलग अलग पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं, अलग अलग नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। नोटिफिकेशन को चेकआउट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।